तो जी आज हम आपको लेकर आए जी 3x6 की एक ऐसी दुकान में बिस्सा जी के पास जो कि बीकानेर के अंदर है। और यहाँ मिलती है जी एक ऐसी मलाई जिसे खाने से पहले बुक करवाना पड़ता है और ये शादी से पहले लड़कों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को खिलाई जाती है स्पेशली। तो चलिए जानते हैं इस मलाई के बारे में कैसे बनती है ये और फिर टेस्ट करके आपको स्वाद बताएंगे इसका। वेल आज हम आपको लेकर आए हैं जी एक ऐसी चीज़ दिखाने, ये देख रहे हो आप मलाई है जी, हर चीज़ बना रहे हैं ना, आपको इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे और कैसे बिकती है। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए पहले। श्याम सुंदर। और आप बताइए जरा, आपने मतलब ये जो मलाई का कंसेप्ट है क्या कंसेप्ट है, मतलब कब से आप बेच रहे हो और कैसे ये बनती है? ये मलाई का काम जो है अपने कम से कम 70-80 साल से काम चल रहा है। ये हमारे दादाजी बनाते थे, उनके बाद मेरे पिताजी थे, मेरे भैया थे, मेरे चाचा जी थे, अब मैं मेरे घर के 5वां-6वां मेंबर हूँ, तो ये काम पुराना काम है जो चला रहा हूँ। और इसको कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं मलाई बनाने के लिए। इसमें 4-5 घंटे लगते हैं मलाई बनाने के लिए। सुबह इसको क्या है, दूध आता है, दूध को गर्म करने के बाद में उसको 3-4 घंटे के इसको थोड़ा मंदा करने के बाद में इसको मलाई बनती है। और फिर ये क्या है, करीब 12 बजे के बाद में उसको गैस को बंद करने के बाद में 4 बजे इसको मलाई को अपन उतारते हैं। ओके। फिर इसको क्या है कि अपन थाली में बना के ऐसे रोल रखते हैं। अच्छा, ये जो आपने थाली में बना के रोल कर दी है। हाँ, अब ये क्या है कि जैसे अपने शाम को 5-6 बजे ग्राहक आएंगे, जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम के हिसाब से उनको अपन देंगे। ओके। और इसमें क्या है कि जैसे किसी के बच्चा होने वाला होता है औरत के लिए, तो उसके लिए जो बच्चा होने वाला होता है वो कहते हैं जैसे 10-15 दिन अपनी मिसेज को या अपनी लड़की को खिलाते हैं। ओके। इनसे क्या है कि बीकानेर में अपन ये मामला है, और इसको भी अपन क्या है इस पत्तल के अंदर देते हैं, ऐसे नहीं है कि पॉलीथिन में देते हैं, ये पत्तल है। ओके। इस पत्तल में लाते हैं, पत्तल में देते हैं। ओके। तो ये शुरू से ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जो भी मतलब प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फिर जो शादी होने वाला लड़का दूल्हा होता है उसको पहलवान होते हैं। जैसे अपन पहले भी क्या है, काफी मेरे पिताजी दादाजी थे वो खिलाड़ी भी खूब खाते हैं, पहलवान होते हैं तो वो पहलवान भी खाते हैं। हाँ जी। तो फिर ये तो ये मतलब पूरी ताकत वाली चीज है, काफी बेनिफिट्स हैं इसके, है ना, और काफी कड़ के। ये सबसे पहले आप ये बताइए जो बर्तन है ये पीतल का है? ये कढ़ाई है जो पीतल की है, इसमें क्या है कि अपन ये कली कराते हैं। कली कराने से ये पीतल की कढ़ाई में मलाई बनाने से इसका ये फायदा होता है कि अपन इसकी चाय बनाते हैं। चाय भी क्या है कि इसकी स्ट्रांग बनती है, इसका दूध है जो रेडिजने के बाद में ऐसा दूध हो जाता है, ये जो ब्राउन है, इससे चाय भी का टेस्ट अलग होता है, इससे चाय भी अच्छी बनती है इसकी। और मैं जरा आपका ये शॉप भी देख रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल छोटी सी है, मतलब खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते हो भाई, पूरी गाड़ी हो चुकी है पूरी जबरदस्त है ना, देखने से ही पता लग रहा है कि यार कॉस्ट है कम से कम 900 रुपए किलो बेचते हैं। का नाम था भैया महाराज थे, आयापरा से फेमस दुकान है हमारी, पुराना काम है, तो मेरे पिताजी लाल जी थे, भैया महाराज थे, तो वो भी मलाई बनाते थे। ठीक है, ठीक है, फेमस है ये दुकान। ये चाय है, इसमें दूध डालेंगे, देख रहे हो एकदम घर जैसा कंसेप्ट कर रखा है इन्होंने पूरा, है ना। और अपना ये साफ सफाई का काम है पूरा, पत्तल में देते हैं, ये पूरी पत्तल आती है ऐसे, उसमें क्या है कि ये जो पत्तल है पूरी, अच्छा, इसको क्या है पत्तल को एक एक पत्ते है ना ऐसे घोल के पानी में भिजोते हैं पहले। अच्छा। फिर भिजोने के बाद में इसमें मलाई देते हैं। ओके, मलाई चेक कीजिए, चेक इट आउट, ऐसे मिलती है यहाँ पे मलाई, फिर ठीक है, बाद में उसको ऐसे फोल्ड करके और फिर ऐसे। और स्वाद की बात करना तो आप एक बार आके बीकानेर के अंदर, आपको भैया ने एड्रेस बताया, मस्ट ट्राई है। मैं मतलब मेरे को मलाई पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने ये मलाई टेस्ट की ना, वाकई में मतलब काबिले तारीफ है भाई, वाह। आप ऐसे जायकों के शौकीन हो ना कि आपको बीकानेर में आना पड़ेगा और इन्जॉय करना पड़ेगा और यहाँ के लोगों से मिल के आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, प्लीज़ लाइक करना, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना, बीकानेर आ रहे हो टैग करना अपने फ्रेंड्स को। मिलेंगे किसी नई सी वीडियो में, किसी नई, टिल देन बाय बाय, तलाश जारी रहेगी।